हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कीर्ति। हम पढ़ रहे हैं आपको क्लास 9 का एनसीईआरटी। सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ और टॉपिक है हमारा लोकतंत्र। एनसीईआरटी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है आपके लोकतंत्र के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक ही हमारा जैसे लोकतंत्र होता क्या है। टॉपिक है आपका लोकतंत्र क्यों। तो देखिए, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने कहा है कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगे के द्वारा चुने जाने वाली सरकार या शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। इसे आप एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था ही आपकी लोकतंत्र है। ठीक, देखिए बात करते हैं लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप होता है जहाँ जनता क्या करती है, अपने शासकों को स्वयं चुनती है, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। ठीक, राजतंत्र में क्या होता है, वंशगत ही राजा बनता है, मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, या राजा का बेटा रानी की बेटी रानी, रानी की बेटी रानी। ठीक, इस टाइप से आपका होता है। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है, शासन का एक ऐसा रूप होता है जिसमें क्या करते हैं, जनता खुद चुनती है अपने शासकों को। ठीक, देखिए क्यों जरूरी है कि व्यक्ति की जो न्यायप्रियता होती है वो लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। ठीक, और कई बार क्या होता है कि कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलर नेता होते हैं लेकिन वो लोकतंत्र के द्वारा चुनकर आए हुए, ये जरूरी तो नहीं। ठीक, इसका जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में एक स्टोरी बताई गई है इसमें, कि उन्होंने क्या किया था कि सेना का तख्ता पलट कर दिया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने। वो सेना में वर्क करते थे, उन्होंने खुद को राष्ट्रपति जो है नियुक्त कर दिया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने जो है खुद को प्रमुख कार्यकारी भी नियुक्त कर दिया। तो इसे देखिए, सेना तक का पलट एक तरह से कहेंगे, जो चुनी हुई सरकार थी उसको क्या किया, सेना ने हटा दिया और खुद वो शासन व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ले ली। तो उसे हम लोकतंत्र तो नहीं कहेंगे क्योंकि लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार को तो उन्हें हटा दिया था। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। देखिए, लोकतंत्र की डिमांड है ये। लोकतंत्र आपका तभी होगा जब चुनाव जो होंगे वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। ठीक, जैसे एक आप एग्जांपल कहते हैं, आप जनरल परवेज मुशर्रफ का जो कहेंगे कि वो का राष्ट्रपति बने थे, तो क्या आप उसे लोकतंत्र कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? लोकतंत्र की एक डिमांड ये भी रहती है कि जो शासक हैं वो जनता ही चुने। ठीक, जनता के द्वारा चुना गया शासक ही लोकतंत्र का जो है शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकता है, अन्यथा नहीं। जो प्रतिनिधि है वो जनता उन्हें खुद चुने। अब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव देखिए कैसे होते हैं। सपोज दैट, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है एनसीईआरटी ने आपकी चीन की संसद का। चीन की संसद में देखिए क्या है कि एक ही पार्टी है। ठीक, उसी पार्टी का क्या है, कोई भी अगर उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा तो उसे उस पार्टी से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक, तो कुल मिला के क्या है, हर बार जो चुनाव होते हैं बाकायदा चुनाव होते हैं। ठीक, लेकिन सरकार किसी बनती है, एक ही पार्टी की बनती है, एक ही पार्टी की सरकार बनती है। तो क्या आप इसे लोकतंत्र कह सकते हैं? जबकि चीन अपने नेम के आगे क्या लगता है, लगाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र। तो आप उसे गणतंत्र कहेंगे क्या? आप उसे लोगों की सरकार कहेंगे? एक ही पार्टी है, उसी के उम्मीदवार चुन चुन के आ रहे हैं और उसी पार्टी की सरकार बननी है। ठीक, तो क्या ये तरीका सही है? और किसी भी उम्मीदवार को लड़ना है तो उस पार्टी की जो है आपकी, उसी पार्टी की जो एक पार्टी है उनकी, ठीक, उसी की उन्हें क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी और फाइनली सरकार इसी की बनेगी। ठीक, क्या होता है उस, वो जो है आपकी पार्टी, उसका नाम है शायद कम्युनिस्ट। ठीक, नाम इतना बड़ा रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन क्या उसमें रिपब्लिक जैसी कुछ बात है? नहीं ना। तो देखिए, लोकतंत्र में हमें समझना होगा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कब होंगे, जब कॉम्पिटिटर होंगे, जब एक से ज्यादा उम्मीदवार होंगे और अलग अलग विचारधाराओं के लोग बनेंगे, तब लोग चुनते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होता है इंडिया में। ठीक,
बहुत सारी पार्टी हैं, नेशनल पार्टी हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनमें समय प्रतिबंधता होती है, और जो जिसे उम्मीदवार सही समझते हैं उसे चुनकर लाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी के सारे उम्मीदवार होंगे, सब कुछ जो है जिसे भी लड़ना होगा उसी पार्टी का होगा, फाइनली सरकार तो उसी की बननी है, तो ये कैसा डेमोक्रेटिक हुआ। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में एक बात जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि उम्मीदवार बहुत सारे होने चाहिए, तो यही कि स्वतंत्रता पर आधारित होने चाहिए कि जो सत्ता है जिसके हाथ में आए ये लोग ही चुने। ठीक, लोग प्रतिनिधि चुने, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं या ठीक वो वहां का जीत जाता है, और फिर क्या होता है वही प्रतिनिधि कहलाता है, वही प्रतिनिधित्व करता है उस पर्टिकुलर एरिया का। ठीक, अब इसका एक हम देखते हैं, एक व्यक्ति एक वोट। देखिए, ये धारणा क्यों जरूरी है? ठीक, या एक व्यक्ति एक वोट, और साथ में एक वोट और लिख देते हैं, एक मोल। ये धारणा क्यों जरूरी है? देखिए, लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले बहुत सारी एक कम्युनिटी होती थी। ठीक, तो जैसे होता है कि रूस में ही शायद पहले होता था, कि उसमें क्या होता था कि जो रूसी लोग हैं उनको जो मतदान का हासिल करने में मुश्किल होती थी। एस्टोनिया एक सिटी, आपको पता होगा एस्टोनिया एक कंट्री है, वहाँ पे क्या होता, जो रूसी लोग रहते थे ना उनको मतदान करने में बहुत मुश्किल होती थी, और अगर उन्हें मतदान का अधिकार भी मिलता था तो एस्टोनिया के जो निवासी थे और जो रूस के निवासी थे उन दोनों के मतों की वैल्यू एक नहीं थी। ठीक, एस्टोनिया का जो वोट देता था नागरिक उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, वहीं अगर रूसी साम्राज्य का, साम्राज्य कह रही सॉरी गलत यूज़ कर रही हूँ, रूसी रूस का रहने वाला या रूस मूल का अगर कोई व्यक्ति वोट देता था तो उसकी वैल्यू कम होती थी। तो देखिए, इसीलिए लोकतंत्र के लिए धारणा जरूरी है, वन पर्सन वन वोट, और उसका एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक पर्सन है तो वो एक ही वोट काउंट होना चाहिए। अब वोटिंग हमारे लिए कितना जरूरी है, आपको यहाँ से पता होगा कि 2015 मतलब 21वीं सदी तक आप मान सकते हैं कि अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं है। 2015 से पहले क्या हुआ था, सऊदी अरब ने भी फीमेल्स को वोटिंग राइट नहीं था। तो आप यहाँ से ये मान सकते हैं कि वोटिंग राइट जो है इसके लिए भी औरतों ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, कि उन्हें भी जो है वोट का मूल्य, मतलब उन्हें भी जो लोकतंत्र है उन्हें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब तो यही है कि लोकतंत्र में देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, और ये होता है आपका वयस्क मताधिकार पर। हमारे यहाँ पे वोट डालने की उम्र क्या है, 18 वर्ष। ठीक, 18 वर्ष से ऊपर का जो पर्सन है व्यक्ति, उसे धर्म, जाति, जन्म स्थल, रंग, भेद, नस्ल और किसी भी आधार पर, ठीक, उसे किसी भी आधार पर वोट देने से वंचित नहीं किया जाता। इस प्रणाली को आप कह सकते हो क्या, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक, तो ये क्या था कि एक व्यक्ति का एक वोट होता है, और एक जो है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक, फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी में टाइप ऑफ टॉपिक है कानून का राज एवं अधिकार। देखिए, इससे क्या मतलब है कि पहले जिम्बाब्वे में क्या था, 1980 के टाइम पे अल्पसंख्यक गोरों का जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे राज था। तो क्या हुआ, उन्होंने 1980 के साल जिम्बाब्वे में, अफ्रीका अफ्रीकी जो है एक देश है जिम्बाब्वे, 1980 में क्या हुआ, अल्पसंख्यक गोरों के शासन से उन्हें मुक्ति मिली, तो वहाँ के राष्ट्रपति बने। ठीक, अब वो जो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे बात कर रहे हैं कहाँ की, जिम्बाब्वे की, 1980 से जो राष्ट्रपति थे उन्हें 2017 में हटाया गया। ठीक, उन्हें 2017 में हटाया गया, मतलब उन्हीं की पार्टी चुनाव जीतती रही। अब आप सोचिए कि 1980 से 2017 तक क्या लोग, अगर वाकई में वहां पे लोकतंत्र होता तो क्या वाकई में वो लोग एक ही राष्ट्रपति बार 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 चुनते रहते? ठीक, राष्ट्रपति का नाम शायद था उनके वहां का मुरुगामबे या मुगामबे, कुछ इस टाइप से उनका नाम था। ठीक, तो क्या था, मुगामबे उनका नाम था।
तब देखिए क्या हुआ था, अगर वो वाकई में लोकतांत्रिक सरकार होती तो एक ही राष्ट्रपति बार बार चुनाव में आते, उन्हें 2017 में हटाया गया। क्यों? क्योंकि वो अवैध तरह से चुनाव जीतते थे, लड़ाई के बल पर, पैसे के बल पर, आप कुछ भी कह सकते हैं, असंवैधानिक तरीके से वो जीतते थे। तो देखिए वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे क्योंकि 1980 में उन्हीं के नेतृत्व में जो है उपनिवेशिक से शासन से उन्हें मुक्ति मिली थी जिम्बाब्वे को। ठीक, तो ये लोकप्रिय थे। तो इससे क्या पता चलता है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकता है, अलोकतांत्रिक हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर लोकतंत्र में, या जो अच्छे लोकतंत्र है, जैसे भारत में हमारे एक अच्छा लोकतंत्र माना जाता है, गोवा तरह के डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम नीचे आते जा रहे हैं। अब डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे आने, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, हालत नहीं है हमारे इंडिया की। लेकिन तो देखिए क्या होता है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो संविधान की एक लक्ष्मण रेखा होती है, जो संविधान के अंदर कानून है उन्हीं को आधार बनाकर कानून बनाती है। ठीक, और उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश नहीं करती है, नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं करती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। अब देखते हैं कि लोकतंत्र के विपक्ष में कुछ तर्क देख लेते हैं हम, कि लोग जो है लोकतंत्र के खिलाफ जो है तर्क क्यों देते हैं, कि लोकतंत्र सरकार क्यों अच्छी नहीं होती है। तो देखिए उसके पीछे एक तो रीजन यह होता है कि नेता बदलते रहते हैं तो जो अस्थिरता रहती है, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे विकास कार्य होते हैं जो ये वाली सरकार जो है खत्म स्टार्ट तो करवा देती है, लेकिन जैसे ही अगली सरकार आती है वो उन्हें वहीं पे रोकती है, चाहे उन पे जंग लग जाए, अगर वो लोहे से रिलेटेड है या स्टील से रिलेटेड है, मतलब कितना भी पैसा क्यों उसमें ना लगा हो, लेकिन अगली वाली गवर्नमेंट पिछली वाली गवर्नमेंट के कार्य को बहुत मुश्किल से ही पूरा करती है। ठीक, इसका जीता जागता एग्जाम्पल इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक, फिर आता है नैतिकता की यहाँ पे जगह नहीं होती, बस लोग कुछ भी करके चुनाव जीत जाना चाहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये बहुत ज्यादा खर्चीली होती है। अब हर 5 साल में चुनाव होते हैं जैसे कि हमारे इंडिया में, तो खर्चीली तो ऑब्वियसली होती है। अब जब खर्चीली होती है तो क्या होता है, इसमें भ्रष्टाचार की भी बहुत ज्यादा जगह होती है। ठीक, स्थानीय स्तर से लेकर जो लोकसभा के चुनाव तक होते हैं वहां तक भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। नेता के होते सबसे जो बड़ी खराबी लगती है यहाँ पे, हमारा देश पता है मुझे लगता है ऐसा है कि चपरासी अगर आपको झाड़ू लगाने का काम दिया जाए तो उसके लिए वो आपसे एक एग्जाम क्वालिफाई करवाएंगे बाकायदा, कि आपको ये आना चाहिए ये आना चाहिए झाड़ू लगाने के काम के लिए, या आप कह सकते हैं किसी को पानी देना, जो भी ग्रुप डी की पोस्ट होती है उनके लिए गवर्नमेंट एग्जाम कराती है। लेकिन जो हमारे पूरे देश को चलाते हैं उनके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हमारे देश में नेताओं को बहुत स्कोप है, गुंडों से लेके इंजीनियर तक और बॉलीवुड से लेके मतलब सब लोग। ठीक, कोई भी यहाँ पे आराम से अच्छा नेता बन सकता है, ये स्कोप आपके ऊपर है। दागी बहुत सारे विधायक हैं, ठीक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की राजनीति के लिए जो सबसे खराब बात है ना वो यही है कि यहाँ पे माफिया, जितने भी गुंडे हैं, अशिक्षित लोग हैं, राजनीति उनके लिए खुला ऑप्शन है। ठीक, वो राजनीति में आराम से जाते हैं, जीते हैं धूमधाम से, और उसके बाद क्या है, और जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो पल्ला नॉर्मली झाड़ लेते हैं। अब देखते हैं कि इसके पक्ष में तर्क क्या है। अब देखिए पक्ष में तर्क ये है कि लोग, पहला तर्क तो यही है कि लोगों के द्वारा चुना गया है, लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। ठीक, अगर लोग उसको जो है बना सकते हैं तो लोग उसको बिगाड़ भी सकते हैं। कैसे, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, अगर वो जरूरतों पर ध्यान नहीं देगा लोगों की जिसलिए उसे चुना था, तो फिर क्या होगा अगले 5 साल बाद उस टूने से कोई और से। एक चीज क्या है, ये दूसरों से बेहतर है, क्यों? क्योंकि ये अधिक जवाबदेही, इसमें जवाबदेही होती है। आपको पता है ना कि जो हमारी कार्यपालिका होती है, जितने भी मंत्री परिषद होता है वो पूरे विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठीक, उन्हें उनके आंसर देने पड़ते हैं, बेहतर निर्णय होते हैं क्योंकि बहुत सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, लोगों के प्रतिनिधि लेते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि मतभेद जितने भी होते हैं उनको अच्छे से लोकतंत्र में संभाला जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन होते हैं इसके लिए, और गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। सबसे खराब बात, अगर आपने कोई खराब नेता चुन लिया है
तो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, जाइए और उसको चेंज करके आइए। ठीक, गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। अब देखिए लोकतंत्र का बेहतर अर्थ क्या होता है। सपोज दैट हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 132 करोड़ समथिंग है अप्रोक्सीमेट। ठीक, 132 करोड़ लोग सोचिए एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं क्या किसी फैसला लेने के लिए? नहीं ना। तो वो क्या करते हैं, प्रत्येक एक एरिया से या क्षेत्र से अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इसीलिए कहते हैं उसको प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है, आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू क्लास।